सो फाइनली आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके। ये वीडियो होने वाला है हमारा न्यू बैलेंस का स्टिकर घर पे कैसे लगाए। तो चलो मैं पहले आपको स्टिकर दिखा दूँ। ये हमने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, और कल मैंने एक MRF का वीडियो डाला था जो स्टिकर का ही था, घर पर कैसे लगाए। आप लोगों ने तो उसको इतना प्यार दिए, सिर्फ 150 व्यूज़ आए उसको भाई। क्या ही बताओ आप। अरे यार व्यूज़ लाते जाओ यार, लाइक भी करते जाओ। मैं सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं हो यार। नहीं ना यार, गलत है, मैं नहीं बोलूँ तो आप करना ना, आप दिल से करते जाओ, नहीं तो फिर मैं भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा आज से कि भाई मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो यार। 3K करना है हमको जल्द से जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2.5K होने वाले, बस कुछ बाकी है। तो स्टिकर देखो आप पहले किस तरह है, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर जिसको भी चाहिए वहाँ से परचेस कर सकते हैं आराम से। किस तरह लग रहा है देखो पहले, हमारी वाइट एकदम बैट है और उस पर ब्लू कलर, वाह मस्त लग रहा है एकदम। इसका भी हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो काट देंगे आराम से। एकदम सीधी लाइन जाना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना स्टिकर हमारा एकदम बकवास लगेगा। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा था तो हम कट करना पड़ेगा, हमको ज़रूरी है कट करना ताकि वो निकले ना। देखो उस साइड से तो ज़्यादा ही बड़ा था। आप भी इस तरह के कटर को यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा महंगा भी मिलता नहीं है। ये कटर जो वाइड मेरे हाथ में है, 15 से 20 रुपये में मिल जाएगा आपको इजीली किधर भी। रेडियम वालों के पास खास तौर पे मिलता है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो उनके पास से। तो हमारा फ्रंट वाला तो हो गया, पहले आप स्टिकर देखो कितना अच्छा लग रहा है लगाने के बाद। देखो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और किसका किसका फेवरेट है ये न्यू बैलेंस ये भी ज़रूर बताना। अभी बारी है पीछे साइड की, बैक साइड। मैंने जो ये काटा है ना बीच में से इधर नीचे से, तो आप लोग भी इसी तरह काट के लगाना, ताकि जो नीचे से ना हमारा एकदम फिक्स बैठे, ना इधर ज़्यादा ना उधर ज़्यादा। काटने के बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई किधर कितना लगाना है और किधर कितना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास स्टिकर लगाने के लिए बैट्स आते रहते हैं, हम परचेस करते फिर लगाते, और साथ ही साथ हम तो बैट तो बनाती है, आपको तो पता ही है। अगर आपका भी इसी तरह कोई बैट टूटा होगा या ब्रोक होगा, कुछ भी होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ नंबर दे देता हूँ, आप मुझे वहाँ से जाके मैसेज करो, आराम से मुझसे बात करो, फोटोज भेजो मुझे, ऑल इंडिया किधर भी रहने दो आप, हम तक बैट आराम से भेज सकते। अभी नीचे साइड का लगा देंगे। आज वीडियो बनाने के लिए मैं अकेला था इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया, वरना अगर कोई होता हो तो मैं नीचे से ही वीडियो लेता हूँ डायरेक्ट, ऐसा एक जगह फ़ोन नहीं रखता हूँ। वैसे ज़्यादा करके मैं अकेला ही बनाता हूँ वीडियो, क्या करते भाई, मेहनत करना है करना है। जब वो ऊपर का रैप निकालते ना उसके बाद आहा जो शाइनिंग आती है भाई। और मैं जो ये लगा रहा हूँ ना, आप जो लाइन को लाइन देख रहे हो, इधर वाली फ्रंट साइड की लाइन और वो लाइन जाकर मिल रही है, तो ही बराबर लगेगा, वरना आप लगा दोगे ऊपर तो फिर वो रॉन्ग दिखेगा, अच्छा लगेगा भी नहीं। तो इसलिए जैसे ही लाइन को लाइन मिल रही है, आप देख रहे हैं न्यू बैलेंस का और ये बर्न का जो लाइन मिल रहा है ना, आपको भी उसी तरह लगाना है ताकि स्टिकर भी अच्छा लगे। इसका भी निकालने के बाद देखो शाइन, आहा
इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम काट देंगे। एक साइड छोटा होता है और एक साइड बड़ा होता है ये, क्योंकि स्टिकर का जो शेप होता है ना ये ऐसा ऊपर की तरफ जाता है, तो साइड में भी उसी तरह आना चाहिए बिल्कुल। ये हमारा बैट रिपेयरिंग रूम है स्पेशल, मैं वहीं पर आज स्टिकर लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं नीचे लगाता हूँ। अभी बचा था हमारा न्यू बैलेंस जो उसका था फ्रंट साइड में, ये लगाने के बाद तो आखिरी दिख रही थी बैट। आप देखो लास्ट व्यू देख लो भाई किस तरह लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ एक बार फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करना, कर नहीं रहे हो आप लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देखते वीडियो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं, भाई क्यों यार ऐसा कर दो। ओके मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।